आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, एक नवीनतम सूचना यानी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पेज पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम और भी एक नई सूचना के साथ उपस्थित हूँ, और ये नई सूचना है एग्जाम से संबंधित। कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, BA, BSc, BCom, इससे संबंधित विद्यार्थियों की और आपके जैसे कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए और अन्य जो सूचनाएं होती है वो इस पेज पर आप प्राप्त करेंगे। यानी जो भी एग्जाम से संबंधित है, भर्ती से संबंधित है, वो सूचनाएं आपके लिए यहाँ पर उपस्थित होती जाएगी और दर्ज होती जाएगी। आप इसके साथ बने रहें। आज की जो सूचना है उसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको, यानी सूचना पेज पर जहां पर आपके लिए सूचना है। देखिएगा, ये सूचना है आपके MDSU की सूचना है। और ये क्या सूचना है देखिए, ये पूरक परीक्षा वाले, पूरक परीक्षा कौन से, यानी पूरक परीक्षा में जो विद्यार्थी BSc BEd BA BEd पार्ट प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ में जो हैं, उन सभी के लिए पूरक परीक्षा के फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। यानी विश्वविद्यालय की परीक्षा 2023 में पूरक परीक्षा योग्य जो घोषित हुए हैं उनकी पूरक परीक्षाएं आयोजित किया जाना अपेक्षित है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। आप ई मित्र से जाकर के भरे। अब क्या डेट है आपकी, देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ होने की तिथि है 3 फरवरी। 3 फरवरी से आपके शुरू हो जाएंगे BSc BEd BA BEd जो पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी है, आपके राशि है ₹670 जो कि बिना विलंब शुल्क 12 फरवरी तक भरे जाएंगे। विलंब शुल्क ₹60 सहित 13 फरवरी से 17 तक भरे जाएंगे, और आपके दुगुने यानी परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब सहित आपके 18 फरवरी से 21 फरवरी तक भरे जाएंगे। उपरोक्त सभी परीक्षाओं के प्रिंटेड आवेदन पत्र हार्ड कॉपी यानी दो प्रतियों में आपको महाविद्यालय अथवा केंद्रीय विभाग को जमा करवाने हैं 19 फरवरी तक। 19 फरवरी तक आपको जमा करवाने हैं। इसके अलावा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की जो प्रिंटेड कॉपी है वो आपको जमा करवानी है यूनिवर्सिटी को 26 तक। अब क्या है इसमें देखिए, जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। वे अभ्यर्थी जिनका पुनर्मूल्यांकन परिणाम पूरक परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभ होने की तिथि के पश्चात आया है, ऐसे अभ्यर्थी पूरक परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व व्यक्ति से विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर के वहां पर यानी आपको सूचना देनी है कि भाई मैं पास हो गया हूं। जैसे मान लो किसी कोई फेल हो गया है, और फेल होने के बाद जब उसने यानी रिचेक के लिए आवेदन किया और रिचेक में वो पास हो गया, तो वो यदि वो इसकी सूचना है वो वहां पर देंगे। तो जो अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं उनका उनकी परीक्षाएं होनी है, तो इसलिए आप इसको अवश्य ही देखें और आप जरूर इसकी परीक्षा दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।